एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डीसीए पीजीडीसी जो माखनलाल चतुर्वेदी से यदि कोई यूनिवर्सिटी से यदि कोई स्टूडेंट कर रहा है और यदि आप भी फर्स्ट या सेकंड सेम के विद्यार्थी हैं तो आपका टाइम टेबल जो कि दिसंबर जनवरी 2023 का यहाँ पर टाइम टेबल जारी हो गया है। तो देखिए ये टाइम टेबल क्या होता है कि सभी का मिक्स रहता है, ठीक है। इसमें एमएससी बहुत सारे जो आपका सब्जेक्ट रहते हैं इसमें से हम केवल बात करेंगे यहाँ पर डीसी और पीजीडीसी सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर रहता है। किसी विद्यार्थी को समझ में आता है, किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। जिसको समझ में आ जाए उसके लिए अच्छी बात है और जिसको नहीं आता है उसको मैं समझाने की कोशिश यहाँ से करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम टेबल जारी है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। डाउनलोड करने की विधि भी हम आपको बताएंगे। पहले स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले टाइम, यानी कि जो यहाँ पर इस तरफ आपके पेपर होंगे ये 9 बजे सुबह 9 से तो दोपहर 12 बजे तक रहेंगे, और इस तरफ यदि आपके पेपर का नाम आता है तो ये दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर दिनांक है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक बात करें तो यहाँ पर 27/12/2022 यानी 27 दिसंबर 2022 को आपका जो सुबह का टाइम है वो यहाँ पर पीजीडीसी फर्स्ट सेम, ठीक है। पीजीडीसी फर्स्ट सेम का यहाँ पर देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका एक विषय है उसका पेपर होना है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि कोई सा ऐसा स्टूडेंट जिसको बेक लगा हो या पूरक आई हो इस सब्जेक्ट में, उसको सप्ली आई हो, वो फेल हुआ हो और उसने पूरक परीक्षा का फॉर्म डाला है, तो उस स्टूडेंट का एग्जाम भी इसी दिनांक को होगा यदि उसका सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसी के साथ हम यदि यहाँ पर बात करें तो देखिए इसमें आपका जो डीसीए, सबसे पहले आप पेपर कोड का जरूर विशेष ध्यान रखें कि कहीं आपके पास वो पेपर कोड है भी या नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इसमें होता है डीसीए में फर्स्ट सेम में तो आपका एग्ज़ाम दोपहर 2 से 5 बजे तक रहेगा और दिनांक 27/12/2022 से रहेगा। इसी के साथ हम अगले पेपर की यहाँ पर बात करें तो देखिए दिनांक यहाँ पर दिया गया 28/12/2022। अब यहाँ पर जो पेपर कोड है वो आपको ध्यान में देना है, ये सेकंड सेम का पेपर है जो कि पीजीडीसी सेकंड सेम का पेपर है आईटी ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो आप भी ने एग्ज़ाम फॉर्म यदि पूरक कब डाला है तो आपका एग्ज़ाम भी इसी दिनांक को होगा आईटी ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी का। इसी के साथ साथ यहाँ पर डीसीए सेकंड सेम, डीसीए सेकंड सेम के विद्यार्थी का जो 28/12/2022 को पेपर होगा वो आईटी ट्रेड्स का होगा और इसमें यदि आपको पूरक वगैरह आई है तो भी आपका पेपर 28/12/2022 को रहेगा आईटी ट्रेड्स का। डीसीए सेकंड सेम का जो समय रहेगा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा और पीजीडीसीए का 9 से 12 बजे तक रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट पेपर की हम यदि बात करें तो नेक्स्ट पेपर है 29/12/2022 यानी कि पीजीडीसी फर्स्ट सेम। पीजीडीसी फर्स्ट सेम का पीसी पैकेज सब्जेक्ट यहां पर रहेगा जो कि 29/12/2022 को रहेगा। इसी के साथ साथ यहां पर डीसीए फर्स्ट सेम का पीसी पैकेज का रहेगा जो कि आपका 29/12/2022 को रहेगा। समय आपका दोपहर 2 से 5 रहेगा। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट पेपर की बात करें तो नेक्स्ट पेपर 30/12/2022 को होगा। पीजीडीसीए सेकंड सेम का इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग रहेगा और डीसीए सेकंड सेम का इंटरनेट एंड ई कॉमर्स रहेगा। यदि आपको इन सब्जेक्ट में बेक आई और आपने पूरक का फॉर्म डाला है तो इसी दिनांक को आपका पूरक परीक्षा का होगा। आपको पूरक परीक्षा का एडमिट कार्ड अलग से मिलेगा जो कि आपके इंस्टीट्यूट द्वारा जहाँ से आप अध्ययन कर रहे हो वहाँ से प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगला जो पेपर होगा ये 31/12/2022 को होगा जो कि पीजीडीसी फर्स्ट सेम का होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक तो डाटाबेस यूजिंग MySQL और यहाँ पर डाटाबेस यूजिंग MS Access। यदि आपके पास दोनों में से कोई सा एक विषय है तो इसका दिनांक 31/12/2022 रहेगा और इसका जो समय होगा मॉर्निंग समय रहेगा। इसी साथ साथ डीसीए फर्स्ट सेम का यहाँ पर जो पेपर होगा ये डाटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो एंड डाटाबेस यूजिंग MS Access, ये आपका इन दोनों में से यदि आपके पास एक कोई सा सब्जेक्ट है तो आपका एग्ज़ाम 31/12/2022 को होगा और समय आपको दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसी के साथ साथ हम अगले पेपर की यहाँ पर बात करें तो जो कि दिनांक 2 जनवरी 2023 को यहाँ पर पीजीडीसी सेकंड सेम का पेपर होगा
मॉर्निंग टाइम में, डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। यदि आपके पास डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप विषय हैं तो आपका 2 तारीख को पेपर होगा, 2 जनवरी 2023 को। और यदि ये नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, तो भी आपका पेपर इसी दिनांक को होगा, समय मॉर्निंग का रहेगा। इसके साथ साथ पीजीटीसीए सेकंड सेम में यदि आपके पास मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है या फिर इसकी जगह पर डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप है, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा ये 2 जनवरी 2023 को होगा। और आपका यदि इन सब्जेक्ट में बैक आया है तो ये आपका बैक का परीक्षा भी इसी दिनांक को रहेगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो अगला पेपर होता है पीजीटीसीए में, 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो लास्ट जो सब्जेक्ट रहता है हमारा ये 3 जनवरी 2023 को रहेगा, जो कि पीजीडीसी फर्स्ट सेम का होगा। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, या तो आपके पास फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया होगा या फिर प्रोग्रामिंग विद वेब डॉट नेट होगा। तो ये आपका 3 जनवरी 2023 को होगा, जिसका समय मॉर्निंग रहेगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर यदि बात करें कि यदि आप पीजीडीसी सेकंड सेम के स्टूडेंट हैं, तो आपका 4 जनवरी 2023 को पेपर रहेगा, जो कि मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा प्राइमर एंड साउंड फोर्ग। यदि ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास प्रोग्रामिंग विद ASP डॉट नेट सब्जेक्ट रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ टाइम टेबल पूरा ही अच्छे समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट के लिए, वो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम पहुँचाते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।